अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। ये वीडियो है जो आपके पास घर में सिलाई मशीन कपड़ों की सिलाई के लिए होती है उसके लिए। ये देख रहे हैं आप, ये मोटर इसकी बिल्कुल ठीक है, इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम आ रही है जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। ये हम इसको इसकी बैक साइड से खोलेंगे, ये हमें खोल ली है। इसमें सिर्फ ये दो तारें लगी होती हैं, एक ये और ये, जिससे करंट सप्लाई होके, यानी कि जब ये आपस में मिलता है तो इसमें करंट जाता है मोटर में और ये मोटर चलने लग जाती है। इसको स्विच लगा दो। इस वक्त जिस मकसद के लिए ये हमारे पास आई हुई है, इसका मकसद ये है कि इसकी जो ये पत्री आपको नज़र आ रही है ना, ये पत्री इसकी टूट चुकी है, जिसकी वजह से ये सही तरह काम नहीं कर रहा। तो अभी हम इसको खोल के इसकी पत्री जो है वो नई डालेंगे, वो मैं आपके सामने बना रहा हूँ। हमने इसकी तारों को डिसकनेक्ट कर देना है, इसकी तारों को खोल के हम इससे अलग कर लेंगे और इस पूरे हिस्से को हम यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। ये देखो, इसको हम पहले ये पेज खोलेंगे, ये सब अलग हो जाएगा। खोलने के बाद पेज हम इसके बाहर निकाल लेंगे। अभी हम ये पत्री, ये जो है, इसको हम ऐसे खोल देंगे, ये आपको नज़र आएगी। अभी इसको हम बाहर निकालूंगा, इसको ऐसे करके थोड़ा सा टेढ़ा कर लेना और इसको ऊपर उठा के ऐसे निकाल लेना। ये सबसे अलग होगी ये पत्री जो है, हमने इसी को खोल के दोबारा फिट करना है। इसको भी हम खोल लेंगे, खुल रही है। इसके नीचे नट होता है, उसको आपने हाथ रखना है ताकि वो स्लिप ना करे, उस वजह से ये बेहतर रहेगा। ये बाहर हो गए, इसको भी हम खोल लेंगे आराम से। अभी मैं आपको और से दिखाऊंगा ये पत्री जो है टूटी हुई कैसे है। ये देखो, ये पत्री आपको टूटी हुई नज़र आ रही है। ये इसको अभी हम नया डालेंगे बस, उसके बाद ये सिलाई मशीन का स्टार्टर जो है वो अपने पूरे तरीके के साथ काम करना शुरू कर देगा। यहाँ से हम इसको रगड़ देंगे, इसकी जो रिपट है ये ख़त्म हो जाएगी। जैसे ये ख़त्म होगी ये बाहर आ जाएगी और इसकी जगह हम नई पत्री डाल के स्टार्टर को दोबारा कारामद बना लेंगे, ताकि नया स्टार्टर ना लेना पड़ेगा। इसी की मदद से हम इसको यूज़ कर सकें। यह सब आपको नज़र आ रहा होगा ये कैसे हम इसको करेंगे।